राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार उदयपुर आई राज्य मंत्री मंजू बाघमार का उदयपुर एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से वह सीधा दुर्गा नरसिंह रोड स्थित उनके निवास पर पहुंची, जहां पर सुखाड़ा विश्वविद्यालय के स्टाफ और स्टूडेंट ने उनका स्वागत किया। पूर्व में सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज में कई विभागों में इन्होंने सेवाएं दी है। राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने बताया कि डबल इंजन की सरकार में जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना व लोगों को लाभ देना, अधूरी पड़ी सड़कों का कार्य करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाए। इसको लेकर वह भी प्राथमिकताओं से काम करेगी। सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया। जैसे कि हमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर हम पहले तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देंगे और जितने भी अभी ये जो रोड वगैरह हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि कई रोड जो है खड्डे वगैरह हो रखे हैं, उन सबको भी ठीक करने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारी प्राथमिकताएं जो रहेगी, जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत संकल्प के तहत जो है पूरे भारत को जो है विकसित किया जाए। लेकिन राजस्थान के अंदर जो है आपने देखा होगा कि हर पंचायत स्तर पर हमारे विकसित भारत संकल्प के शिविर लग चुके हैं और हर व्यक्ति को जो उसका पात्र व्यक्ति है उनको उन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जो है हम प्रयत्नशील हैं और हम यही सोच रहे हैं कि निश्चित रूप से जो पिछले 5 सालों के अंदर कांग्रेस सरकार के अंदर जो हर व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा था, राजस्थान के अंदर जिस तरह से कुशासन था, चाहे वो महिला अत्याचार हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे ग्राम गरीब वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, तो उन सभी के कल्याण के लिए हमारी सरकार की प्राथमिकता रहे। अभी आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन के अंदर ही हमने SIT और टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। अन्नपूर्णा योजना के अंदर भी जो है 600 ग्राम 450 ग्राम को बढ़ाकर 600 ग्राम जो है खाद्य सामग्री का हम वितरण करने लगे हैं। इसके अलावा सिलेंडर को भी 450 रुपये कर दिए और भी आगे आगे देख लिए बहुत सारी जो है गरीब कल्याण के लिए योजनाएँ चालू रहेंगी। 2013 से 2018 के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब मुझे विधायक चुनी गई थी मैं, और उस समय भी जितने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में जितने विकास के कार्य हुए, वो जो विकास के कार्य अभी 18 से 23 के अंदर जो अधूरे रह गए थे, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार बनी है और केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में तो निश्चित रूप से जो विकास को गति मिलेगी। पिछले सरकार में आपने देखा था कि युवा वर्ग जो है अपने आप को बहुत ही तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा था। बेरोजगार युवाओं को जो भत्ता देने का काम किए, भत्ता देने का जो उन्होंने वादा किया था वो कोई वादे पूरे नहीं, उल्टा रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, 17 बार जो है उनके पेपर लीक हो गए थे। तो युवाओं के लिए जो है उस दिशा में उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। सभी के कल्याण के लिए जो है सरकार की योजनाएं रहेगी, उनको प्राथमिकता से हम कार्य करेंगे। जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 एंड 9828141898।